लिस्टिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट्स आर यूज टू क्लासीफाई द बायो मकैनिक मूवमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल परफॉर्म टास्क जब कोई इंडिविजुअल कोई टास्क परफॉर्म करता है तो उसकी बॉडी मूवमेंट कैसे काम करती है उसको बायो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल ये हैंड एग आप इसको रखें नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये चीज़ें दिखाऊँगा अभी मैं पिक्टोरियल इफेक्ट के साथ यहाँ पर ये यह जो हैंड मूवमेंट्स है इसको हम लोग देखते हैं किस तरह ये आपके कंट्रोल में काम कर रही है फिजोलॉजिकल मूवमेंट्स विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच टर्म ये जो शख्स है ये क्रोमर क्रोमर्स एंड क्रोमर्स एल्बर्ट 1990 में इन्होंने डिटेल इसके ऊपर स्टडी की और इनकी स्टडी का मकसद यही था कि जो बायोमकैनिक मूवमेंट्स है वो बेसिकली किस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फेवर के लिए काम करती है तो ये स्टूडेंट्स ये देखें ये पॉस्चर एंड पोजिशन है पॉस्चर एंड पोजिशन में राइट साइड पर एकटेंशन है लेफ्ट साइड पर एक्सटेंशन न्यूट्रल फ्लैक्शन फिगर सेवन पॉइंट टू अब ये दोनों चीज़ें अगर आप गौर से देखें तो ये मूवमेंट्स ऑफ योर बॉडी है और पर्टिकुलर मैं बात करूँ जेस्टर पोस्चर की तो ये मूवमेंट्स ऑफ योर हैंड्स है अगर कोई काम आपने परफॉर्म करना है और उस काम में हैंड्स की मूवमेंट रिक्वायर्ड है और अगर आपके फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल आपके हैंड्स हैं ही नहीं हाउ यू विल परफॉर्म दैट टास्क फॉर एग्जाम्पल यू आर द नीड ऑफ टाइपिंग एंड सम फिंगर्स आर मिसिंग्स देन हाउ यू विल अपलेट दैट पर्टिकुलर टाइपिस टाइप राइटर्स आर की बोर्ड ऑफ योर कंप्यूटर सो ड्यू टू दीज रीजन इन तमाम चीज़ों को देखना जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ये डी ए स्टूडेंट्स फर्दर देखें पोस्टर एंड पोजिशन लेफ्ट साइड राइट साइड इन दोनों में मूवमेंट देखें हैंड्स की तमाम चीज़ें जो अल्लाह तला ने इंसान को पैदा करके दी हैं उन सब का कोई ना कोई काम है उनके वो फंक्शनस हैं उन फंक्शन की मदद से आपकी हेल्प होती है और आप अपने अपने टास्क लाइफ में परफॉर्म कर रहे होते हैं डी स्टूडेंट्स द टॉपिक विच वी विल डिस्कस नाउ इज एबडक्शन अबडक्शन में बेसिकली इट इज़ द मूमेंट ऑफ योर बॉडी अवे फ्राम देंट्रल प्लान ऑफ द बॉडी जब आपकी बॉडी सेंट्रल प्लान से अवे की तरफ मूव करेगी तो उसको हम एबडक्शन कहते हैं और जब इसके वॉइस वर्सा मूव करेगी कि अवे से सेंटर की तरफ मूव करेंगे तो इसको हम लोग एडक्शन बोलते हैं और अगर यही चीज़ एक सेंटर में मूव करें आप अपने बाजू को रोटेट करें जैसे कि एक बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है तो इसको हम लोग सरकुम डक्शन कहते हैं तो ये तीनों चीजें बायो के कंपोनेंट्स हैं और बायोमकैनिक्स के पार्ट्स हैं फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन फ्लैक्शन में मूवमेंट ऑफ द जॉइंट दैट डिक्रीज इज द एंगल बिटवीन द बोन्स इसको हम लोग फ्लैक्शन बोलते हैं Bending the arm at the elbow such that the hand moves closer to the upper arm region is one example of flexion. Or extension hai? the opposite of flexion. Flexion ke opposite extension bolte hai. The movement of a joint that increases the angle between the bone is known as extension. For example, straightening the arm is an example of extension. अगर आप अपने बाजू को बिल्कुल सीधा करते हैं स्ट्रेट की तरफ या राइट साइड पे तो इसको हम लोग एक्सटेंशन बोलते हैं न्यूट्रल प्लेन या डेविएशन न्यूट्रल प्लेन द नॉर्मल एंड लो स्ट्रेस पोजिशन ऑफ द सेगमेंटल फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो आपके हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनकी जो लो स्ट्रेसफुल पोजिशन है उसको न्यूट्रल प्लेन कहते हैं और डेविएशन द मूवमेंट आर पोजिशन ऑफ ए बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द न्यूट्रल प्लान इज नोन एज योर डेवियशन रोटेशन डी ए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है रोटेशन अ मूवमेंट इन विच अ बॉडी पार्ट टर्न्स ऑन इट्स लॉन्गील एक्सिस लॉन्च्यूडनल एक्सिस में अगर वो मूव करें द टर्निंग आर्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोटेशन अगर आप हेड और आम को रोटेट वाइज डिस्क्राइब कर रहे हैं रोटेट वाइज मूव कर रहे हैं तो ये रोटेशन की एग्जाम्पल हैं स्पाइनेशन एंड प्रोनेशन

एंड द पाम इज फेसिंग डाउनवर्ड अगर ये पाम को अपवर्ड रखेंगे तो ये स्पोनेशन और अगर इसको डाउनवर्ड करेंगे तो ये प्लोनेशन तो ये दोनों कंसेप्ट का तल्लक भी आपके बायो मकैनिक्स के साथ है और इनकी मूवमेंट्स के साथ है ऑपरेशनल कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट ये लास्ट इसका कंपोनेंट्स है ऑपरेशनल कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट्स में क्या चीज़ें आती हैं पहले नंबर पर पोजिशनिंग आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू दिस इज माई पोजिशनिंग सेकेंड कॉन्टीन्यूस मूवमेंट आई एम स्पीकिंग ऑन कॉन्टीन्यूस बेसिस ये कॉन्टीअस मूवमेंट्स है मेरी लंग्स की मेरी टांग की मेरी जो जुबान है उसकी कॉन्टीस मूवमेंट्स है अगर मैं वॉक करना शुरू कर दूँ तो ये मेरी कॉन्टीन्यूस मूवमेंट्स हैं देन मैनिपलेटिव मूवमेंट देन रेपिटेट मूवमेंट्स देन सिक्वेंशल मूवमेंट कि एक चीज़ के बाद दूसरे की मूवमेंट्स और लास्ट स्टेटिक मूवमेंट अब ये तमाम चीज़ें क्या हैं ऑपरेशनल कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स आपकी जब तक बॉडी के तमाम अज़ा कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी ठीक ना हो उस वक्त तक आप अपने जो भी टास्क है उसको सही परफॉर्म नहीं कर सकते और जब तक आप उसको सही टास्क को परफॉर्म नहीं कर सकते उस वक्त तक आपकी ऑपरेशनल कैटेगरीज ऑफ मूवमेंट सही काम नहीं कर सकती इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये देखना है कि जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की हैजर्ड्स हैं किस हद तक उनके ऊपर हम काबू पा सकते हैं